नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VS सुनील ब्लॉग विथ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में ट्रेन नंबर 10104 मटगांव टू मुंबई मांडवी एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यह ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन मटगांव जंक्शन से चलती है सुबह 9:15 पर और रात को पहुंचाएगी मुंबई 9:40 पर। यह ट्रेन हर दिन चलती है। इस ट्रेन को मटगांव जंक्शन से मुंबई तक के 580 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 12 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। इस ट्रेन का एवरेज स्पीड 49 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में एक जनरल क्लास का कोच होता है, 6 स्लीपर क्लास का कोच होता है, 4 थर्ड एसी का कोच होता है, 3 सेकेंड एसी का कोच होता है, 1 फर्स्ट एसी का कोच होता है और 1 पेंट्री कार का कोच होता है इस ट्रेन में। अब मैं आपको इस ट्रेन के फेयर के बारे में जानकारी देता हूँ। इस जनरल क्लास का है 250 रुपये, स्लीपर क्लास का है 400 रुपये और थर्ड एसी का है 1000 रुपये, सेकेंड एसी का है 1600 रुपये और फर्स्ट एसी का है 2600 रुपये। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन मटगांव जंक्शन से मुंबई तक डीजल लोकोमोटिव के साथ चलता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के कैटरिंग के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें पेंट्री कार, ई कैटरिंग, अनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन कौन से रूट से होकर मुंबई जाती है, जैसे कि मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया था, यह ट्रेन मटगांव जंक्शन से खुलती है सुबह 9:15 पर। उसका पहला हॉल्ट आता है करमाली, जहां पहुंचती है सुबह 9:44 पर। 9:46 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका दूसरा हॉल्ट आता है थिवीम, जहां पहुंचती है सुबह 10:06 पर। 10:08 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका तीसरा हॉल्ट आता है पेरनेम, जहाँ पहुँचती है सुबह 10:20 पर। 10:21 पर खुलती है ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका चौथा हॉल्ट आता है सावंतवाड़ी रोड, जहाँ पहुँचती है सुबह 10:41 पर। 10:42 पर खुलती ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका पांचवा हॉल्ट आता है कुडाल, जहाँ पहुँचती है 11:02 पर। 11:04 पर खुलती ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका छठा हॉल्ट आता है सिंधु दुर्ग, जहाँ पहुँचती है सुबह 11:16 पर। 11:17 पर खुलती ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका सातवां हॉल्ट आता है कनकावाली, जहाँ पहुँचती है सुबह 11:33 पर। 11:35 खुलती ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका आठवां हॉल्ट आता है बिबवाड़ी रोड, जहाँ पहुँचती है दोपहर 12:07 पर। 12:08 पर खुलती ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका नौवां हॉल्ट आता है राजापुर रोड, जहाँ पहुँचती है दोपहर 12:24 पर। 12:25 पर खुलती ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका दसवां हॉल्ट आता है अडवाली, जहाँ पहुँचती है दोपहर 12:50 पर। 12:51 पर खुलती है ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका 11वां हॉल्ट आता है रत्नागिरी, जहाँ पहुँचती है दोपहर 2:05 पर खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका 12वां हॉल्ट आता है संगमेश्वर रोड, जहाँ पहुँचती है दोपहर 2:46 पर। 2:47 पर खुलती है ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका 13वां हॉल्ट आता है चिपलून, जहाँ पहुँचती है दोपहर 3:20 पर। 3:22 पर खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका 14वां हॉल्ट आता है खेड़, जहाँ पहुँचती है दोपहर 3:55 पर। 3:57 पर खुलती ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका 15वां हॉल्ट आता है मनगांव, जहाँ पहुँचती है शाम को 5 बजे और 5:01 पर खुलती ट्रेन, 1 मिनट रुकती है। इसका 16वां हॉल्ट आता है पनवेल जंक्शन, जहाँ पहुँचती है शाम को 7:25 पर। 7:30 पर खुलती ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका 17वां हॉल्ट आता है थाने, जहाँ पहुँचती है रात को 8:37 पर। 8:40 खुलती ट्रेन, 3 मिनट रुकती है। इसका 18वां हॉल्ट आता है दादर सेंट्रल, जहाँ पहुँचती है रात को 9:02 पर। 9:05 पर खुलती है ट्रेन, 3 मिनट रुकती है। इसका 19वां लास्ट हॉल्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई, जहाँ पहुँचती है रात को 9:40 पर ट्रेन।